कोल डैम परियोजना क्षेत्र के गांव कसोल के नाला स्थल के पास बने बस स्टॉप के पास एक खड़ी बस में आग लग गई, जबकि इस बस को 30 मिनट बाद हरनोड़ा स्थित कोल वैली एजुकेशन सोसाइटी के कोल वैली पब्लिक स्कूल के लिए निकलना था। बताया जा रहा है कि सुबह किसी ने देखा कि बस में आग सुलग रही है और धुआं निकल रहा है। देखते ही देखते अचानक बस में बड़ी तेज लपटों के साथ आग भड़क गई। वहीं स्थानीय पंचायत प्रधान देशराज ठाकुर ने सूचना मिलते ही सेठपा स्थित एनटीपीसी परियोजना की फायर ब्रिगेड के इंस्पेक्टर मुनीष सारस्वत को सूचित किया। घटना का पता चलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड ने बस को लगी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उतने में बस लगभग जल चुकी थी। उधर इंस्पेक्टर मुनीष सारस्वत ने बताया कि एनटीपीसी कोल डैम CISF इकाई के बल सदस्यों ने एक बड़ा हादसा होने से टाल दिया। उन्होंने कहा कि इस हादसे से कुछ ही देर बाद बस में स्कूली बच्चे सवार होने वाले थे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स मिस हिमाचल 2023 ब्रॉट टू यू बाय अर्ली यूनिवर्सिटी पावर्ड बाय डाबर आमला हेयर ऑयल। प्रतिभा और ग्लैमर की एक शानदार सौंदर्य प्रतियोगिता। प्रदेश भर में ऑडिशन शुरू, विजेताओं को मिलेगा 1 लाख तक का कैश प्राइज। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल और फॉलो करें मिस हिमाचल फेसबुक और मिस हिमाचल ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर। मिस हिमाचल 2023 ब्रॉट टू यू बाय अर्ली यूनिवर्सिटी पावर्ड बाय डाबर आमला हेयर ऑयल। ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल केयर। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर वेलवेट क्लार्क्स एक्सोटिका जीरकपुर। रेडियो पार्टनर बिग FM।